अरे मैडम जी नमस्ते। नमस्ते। और बताइए क्या हाल चाल है? सब ठीक है, अपना बताइए। एकदम आई एम फाइन, मैं एकदम बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा तो मूड और कुछ कह रहा है। अच्छा, हाँ क्यों, कुछ कहने का दिल है क्या? और क्या, बहुत कुछ कहने का दिल है। लड़ने का विचार है क्या? लड़ूंगी और कहूंगी भी। तो आ जाओ फिर। पहले से मौसम बनाए बैठे हो क्या? अरे जाने मन, मौसम बनाना नहीं पड़ता है। क्यों? मौसम ऑटोमेटिक बन जाता है। अच्छी खासी जवान हो ना, इसीलिए मौसम बन जाता है। फिलहाल क्या कहना चाहती हो आप, बोलिए। अरे मुझे नादान मत समझ। अच्छा। अरे मुझे नादान मत समझ, मैं सब कुछ समझती हूँ। मुझे नादान मत समझ, मैं सब कुछ समझती हूँ। और तुम्हारे जैसे बेटे अपने गांठ में बांध कर रहती हूँ। ऐसा है तो तुम्हें नादान ना समझूं? मैं सब कुछ समझती हूँ। तुम्हें नादान ना समझूं आए? जी। तुम सब कुछ समझती हो? और क्या। और मुझ जैसे को अपने बांध के रखती? बांध कर लगती हूँ। अच्छा, तो जितना बोल सकती है तू बोल के दिखा। अरे तू जितना बोल सकती है बोल के दिखा। अच्छा, और मेरे जैसे तेरे कितने हैं, जरा अपना खोल के तो दिखा। अगर खोल दूंगी ना, अच्छा, तो कयामत आ जाएगी। आखिर हुआ क्या है, खोल के दिखाओ ना। आपने तो खोलने की बात की है, क्यों? अरे ज्यादा बड़बड़ मत के मत बोल। अच्छा, और क्या, वरना नाक तोड़। अरे तो आराम से नाक तोड़ो ना, इस तरीके से मैं खुशबू भी नहीं ले पाऊंगा। ज्यादा बड़बड़ कर मत बोल। हाँ, वरना नाक तोड़ दूंगी। अच्छा, तुझे और उन्हें नींबू जैसी निचोड़ कर रख दूंगी। ज्यादा मत बोल वरना नाक तोड़ दूंगी। नाक तोड़ दूंगी और मुझे और इनको नींबू जैसे निचोड़ कर रख दूंगी। तो कहे मगर रसा के पी हो नींबू का है? शिवम भैया, अरे मिट्टी के बर्तन को कंकड़ से तोड़ दूंगा। अच्छा, मिट्टी के बर्तन को कंकड़ से तोड़ दूंगा। और मेरी जान, आज तुमने नहीं दिया तो नाचना छोड़ दूंगा। अरे पलट कर देख, अरे पलट कर देख, जालिम जीने की तमन्ना हम भी रखते हैं। अरे पलट कर देख, जालिम जीने की तमन्ना हम भी रखते हैं। थोड़ी जवानी आप रखते हो तो थोड़ी जवानी हम भी रखते हैं। क्या शेर मारा है, पलट कर देख जालिम तमन्ना हम भी रखते हैं। और क्या, और थोड़ी सी जवानी हम रखते हैं तो थोड़ी सी जवानी हम भी रखते हैं। ओ, ऐसी बात है। तो मेरा कहना क्या है? क्या कहना है? या फरियाद करता हूँ, अरे मेरे सलामत मेरी जान को रखना, क्योंकि मैं इनसे ही प्यार करता हूँ। गुल को गुलशन में खिलने नहीं दूंगी। अच्छा। गुल को गुलशन में खिलने नहीं दूंगी, और तेरा दिल अपने दिल से मिलने नहीं दूंगी। और बेटा शिवा, अच्छा, अपने जांग मगर तुझे दबा लूंगी। अच्छा, तो बेटा हिलने नहीं दूंगी। इतनी बड़ी औकात यह तोर? बहुत। तू गुल को गुलशन में खिलने नहीं देगी? कभी नहीं। और मेरा दिल अपने दिल से मिलने नहीं देगी? कभी नहीं। और तू मुझे अपने जंघों के बीच में दाब लेगी? दाब लूंगी। तो हिलने नहीं देगी? तो मेरा कहना क्या है मैडम जी? क्या? अरे गुल को गुलशन में खिलाता रहूंगा, गुल को गुलशन में खिलाता रहूंगा, और तेरे दिल को अपने दिल से मिलाता रहूंगा। और मेरी जान, अगर तू दाब लेगी अपने के बीच में तो मैं नीचे से धीरे धीरे हिलाता रहूंगा। अरे गुल गई गई होंठ की लाली, अरे गुल गई गई ऊंट की लाली, अरे अब तो पीछा मेरा छोड़ दे शिवा बेटा, अरे अब तो मेरा पीछा छोड़ दे, मैं हो गई बच्ची।
सो इतनी देर यह सब मामला बेकार हो गया। गुल गई गुलशन गई गई होंठ की लाली, कह रही है मेरा पीछा छोड़ दो मैं हो गई बच्चे वाली। यार क्या आ? क्यों क्यों पीछा छोड़ दें? आखिर मैं बच्चे वाली हो गई, अरे हम तुम्हारा पीछा छोड़ने के लिए थोड़ी यहाँ आए हैं। क्यों नहीं कुछ विचार है? अरे आज तो बहुत कुछ विचार है। हमारा कहना क्या है? क्या कहना है? इंग्लिश में कहते हैं लव इज गॉड, गॉड इज लव। अच्छा मतलब प्रेम ही परमेश्वर होता है। हाँ जी, लेकिन आज हम तुमको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। फिर कैसे? तुमने हमसे जवाब किया शायर के बाद में। और क्या शायर तुमने बोल के हमसे और शायर का जवाब लिया है। लिया है, लेकिन आज हम तुमसे गानों की जवाबी लड़ना चाहते हैं। लड़ोगे? जी हाँ। सोच लो। मैंने सोच लिया और सोच के आए हैं। अच्छा हाँ सोच कर आए हो? एकदम बिल्कुल, पहले से प्लान बना कर आए हो? अरे एकदम हम प्लान बना के आए और तुमसे फुल मूड में एकदम लड़ने आए हैं। आ जाओ फिर। आ जाए? हाँ तो चलो फिर आ जाओ मैदान में। मगर मेरी बात है, एक प्यारी प्यारी किस देना पड़ेगा। कोई कह रहा हाथ उठा दे देखा जाएगा। किस मतलब यार? यार फैसला बराबर का होना चाहिए। एक छोड़ के और कुछ मांग ले यार। नहीं मैं किस करूंगी, और वो भी ओठों पर। जहाँ कोई नहीं सोचता वहां मैं सोचती हूँ तुम्हारी।